राजधानी में संगीत की जानी मानी हस्तियों की महफिल सजी। सरोद वादक उस्ताद रहमत अली खान की स्मृति में हुए कार्यक्रम को उस्ताद हाफिज अली खान संगीत एकेडमी ने प्रस्तुत किया। मायाराम सुरजन स्मृति भवन पीएनटी चौराहे पर हुए कार्यक्रम में संगीत की जानी मानी हस्तियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कोरोना के चलते इस पूरे कार्यक्रम को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाइव भी किया गया। आज फिर से हम आपके सामने आए हैं 2020 के उस्ताद रहमत अली खान संगीत स्मृति समारोह के अंदर में। हर साल की तरह इस साल भी ये कॉन्सर्ट हमने ऑर्गेनाइज किया है उस्ताद हाफिज़ अली खान संगीत एकेडमी के बैनर के तले। इस बार का शो लेकिन थोड़ा अलग है। इस बार हम लोगों ने बहुत सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की वजह से कई चीज़ों का ध्यान रखा है। हमने पूरा का पूरा कॉन्सर्ट फेसबुक लाइव पे रखा सो दैट श्रोताओं को घर बैठ के आराम से वो सेफ्टी के हिसाब से देख सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को पसंद आएगा। आज जो प्रस्तुतियाँ हुई हैं सब लोगों को अच्छी लगेंगी। आज 7 तारीख को सितार का प्रस्तुति थी और बहुत लोगों को अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कल का भी सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सरोद वादक, महान सरोद वादक हाफिज़ अली खान संगीत एकेडमी और उस्ताद रहमत अली खान साहब स्मृति समारोह में हाफिज़ अली खान एकेडमी का ये आयोजन है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि वो इतने बड़े सरोद वादक जिनकी एकेडमी है और जिनके नाम से ये समारोह हो रहा है, वो हिंदुस्तान के जाने माने सरोद वादक, सरोद के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो मुझे कई सालों से मैं इसमें परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे और मेरे साथ साथ अलावा इंटरनेशनल आर्टिस्ट इसमें परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा नाम है उस्ताद हाफिज़ अली खान जो एकेडमी जिनकी है और रहमत अली खान साहब जो थे भोपाल आकाशवाणी में थे और बहुत बड़े नामी सरोद वादक थे। मुझे बहुत खुशी। आज का कार्यक्रम वरिष्ठ सरोद वादक रहमत अली खान साहब की स्मृति में रखा गया है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इसमें अपनी प्रस्तुति देने का अवसर मिला है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ संस्था की जिन्होंने मुझे अवसर दिया गाने का। डरेंगे ना झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे। स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।